हमारे सभ्य समाज में वेश्या का नाम लेना भी अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन आपको ये बात हैरत में डाल सकती है कि नवरात्रि में माता की जो मूर्ति बनाई जाती है उसके लिए वैश्यालय की मिट्टी ही प्रयोग में लाई जाती है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है ये हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आम धारणा में वेश्यावृत्ति जैसे कार्य को अधार्मिक और पतित माना जाता है और इस व्यापार में लिप्त रहने वालों को घृणा की नजर से देखा जाता है। इन्हें समाज में कभी सम्मान नहीं दिया जाता। लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। वेश्या कोई अपनी मर्जी से नहीं बनती, बल्कि उसकी अपनी मजबूरियां होती हैं। लेकिन इस गंदे कार्य में लिप्त होने की वजह से किसी को उसके अपमान का हक नहीं मिल जाता। एक मानव और महिला होने के नाते वो हमेशा ही सम्मान की पात्र है। इसीलिए माता की मूर्ति बनाने जैसे पावन अनुष्ठान में उसके घर के सामने की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, आपने सच सुना है। दुर्गा पूजा के लिए बनाई गई मूर्तियों की मिट्टी वैश्यालयों के बाहर से ही ली जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है इसका जवाब मिलता है इस विषय में प्रचलित धारणाओं में। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी वैश्यालय के अंदर जाता है तो वो अपनी सारी पवित्रता वैश्यालय की चौखट के बाहर ही छोड़ देता है और इस वजह से चौखट के बाहर की मिट्टी अत्यंत पवित्र हो जाती है। इसीलिए इस पवित्र मिट्टी का प्रयोग माँ की मूर्तियां बनाने में किया जाता है। इस विषय में एक और प्रचलित किस्सा है कि बहुत पहले एक वैश्या देवी दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी। लेकिन वैश्या होने के कारण समाज में उसे सम्मान प्राप्त नहीं था। समाज से तिरस्कृत और बहिष्कृत उस वैश्या को तरह तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता था। अपनी भक्त को इसी तिरस्कार से बचाने के लिए माँ दुर्गा ने स्वयं आदेश देकर उसके आंगन की मिट्टी से अपनी मूर्ति स्थापित करवाने की परंपरा शुरू करवाई थी। साथ ही देवी ने उसे वरदान भी दिया था कि उसके यहाँ की मिट्टी के उपयोग के बिना प्रतिमाएं पूरी नहीं होंगी। जानकारों के अनुसार शारदा तिलकम, महामंत्र महार्णव, मंत्र महोदधि आदि ग्रंथों में इस बात की पुष्टि की गई है। बांग्ला मान्यताओं के अनुसार गौमूत्र, गोबर, लकड़ी, जूट के ढांचे, सिंदूर, धान के छिलके, पवित्र नदियों की मिट्टी, विशेष वनस्पतियां और जल के साथ ही वैश्याओं के आंगन के बाहर की मिट्टी भी मूर्ति बनाने में प्रयोग ली जाती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उन मूर्तियों से माता की पूजा कभी सफल नहीं होती। वर्तमान में कोलकाता का कुमारटलू इलाके में देश भर की सबसे अधिक माता की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है और मिट्टी के लिए यहाँ के मूर्तिकार सोनागाछी की मिट्टी को उपयोग में लेते हैं। सोनागाछी कोलकाता का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है जो देह व्यापार का गढ़ है। इसके अलावा इस मिट्टी के इस्तेमाल के पीछे एक प्रचलित और लोकप्रिय धारणा है। इस प्रक्रिया को समाज की सोच में सुधार के रूप में भी देखा जाता है। वैश्यालयों को पुरुष प्रधान समाज के द्वारा नारी के अपमान के तौर पर देखा जाता है। इसलिए भी लोगों का मानना है कि मूर्तियों के निर्माण में वैश्यालय की मिट्टी के प्रयोग का उद्देश्य उस पितृसत्तात्मक समाज के मानस को कचोटना है जिसकी वजह से महिलाओं को नर्क में धकेलने वाला ये कारोबार चलता है। इन सब वजहों के चलते माता की प्रतिमा बनाने में उस स्थान की मिट्टी प्रयोग में लाई जाती है जिसे समाज तिरस्कृत समझता है। ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर करें। धन्यवाद।